हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जैसे कि जो जनरल एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है, सेम उसी तरीके से एक बिजनेस का एक एनवायरनमेंट है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट ना दो तरीके का होता है, एक तो होता है कंट्रोलेबल और एक होता है अनकंट्रोलेबल। विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितना फंड लगाना, कितना मैनेज करना है, लेकिन बाहर की चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, आपके हाथ में नहीं है, है ना? इंटरेस्ट रेट क्या है, आपके हाथ में नहीं है, मार्केट फोर्सेज है। कोविड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इंटरनली आप अपनी सेफ्टी मैनेज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ एक्सटर्नल। तो देखो क्या होता है कि एनवायरनमेंट जब भी हम बात करते हैं, उसमें आपके पास क्या होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होती है जैसे आप पढ़ते हो, स्ट्रेंथ भी, मतलब उसमें आपकी थ्रेट्स भी होती है, चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस को पार करते हुए हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को हम क्या लेते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं और ये देखते हैं हमारे पास क्या, जैसे आप स्पोर्ट एनालिसिस आप करते थे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना, यही तो एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो देखो, एक तो होता है इंटरनल पूरा का पूरा कंट्रोलेबल, और एक्सटर्नल आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? कंट्रोलेबल कौन सा है, सिर्फ इंटरनल। अब इसमें क्या हुई, इन प्राइमरी एक्टिविटीज और दूसरी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी में एक्टिविटी में क्या हुई, ये आपका मेन काम है भाई, क्या इनबाउंड आएगा, मतलब क्या क्या इनपुट्स आ रहे हैं, इनबाउंड किस तरीके से आ रहा है, जैसे रॉ मटेरियल आना, जो और सारी जो चीज़ें आ रही है, मशीनरी कैसे आएगी, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। आप ऑपरेशंस कैसे करोगे, है ना, प्रोक्यूरमेंट्स किस तरीके से आपने, मतलब उसको प्रोडक्शंस में प्रोसेस में कैसे डालना है, वो चीज़ आ गई। फिर बन गया है तो उसके वेयर हाउसेज, स्टोरेज, समथिंग आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। देन आपका मार्केटिंग, आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल्स कैसे करोगे। फोर आपका इन सब के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आप कैसे मैनेज, खुद का पैसा सब है ना कंट्रोल, प्राइमरी है पैसा चाहिएगा, और लास्ट में आपकी सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें सर्विसेज, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज भी आ गई है, आपको आप किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसी में आ गई है। एक आई इसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट क्या क्या करेंगे, जैसे आपके पास इंटरनल पावर रिलेशनशिप, ठीक है, किस तरीके का आपका वो चीज़ देखेंगे, मतलब कि अथॉरिटी सबॉर्डिनेट किस तरीके का, वो सारा देखा जाएगा। प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होगी चीज़ों की, ये चीज़ें देखी जाएगी। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, एचआर किस तरीके का आपका, ये सारा सपोर्ट करेगा ये मेन एक्टिविटीज़ को। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें सपोर्ट करता है, पूरा का पूरा कंट्रोल है, मैनेजेबल है। दूसरा आता आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आपका माइक्रो और मैक्रो। देखो एक बार सुन लो फिर मैं आगे बात करता हूँ। एक क्वेश्चन जो इसमें मिलेगा वो मैं बताऊँगा आपको, एक कई क्वेश्चन है इसमें से, पहले पढ़ लीजिए। एक्सटर्नल में क्या है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब फर्म का स्पेसिफिक, ठीक है, फर्म पर जो इफेक्ट डाले। तो इसमें देखो फर्म का कंपटीटर होंगे तो सिर्फ फर्म को इफेक्ट करेंगे, है ना। कस्टमर जो उसके पास, उसके कस्टमर कौन से है, जैसे आईटी कंपनीज के जो कस्टमर वो आईटी के हैं, बैंक के अलग है, तो सबके अलग अलग है, तो ये खुद उसमें पर्सनल हो गए। एक आपके सप्लायर, वो भी उसी के होंगे, क्रेडिटर्स, लेबर मार्केट, एंड लास्ट वन इज द पब्लिक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पब्लिक आपका इंटरनल कैसे, या इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो मोस्टली देखते हैं पब्लिक बाहर है, एक्सटर्नल पे क्लिक कर देते हैं। अब पब्लिक मेरे को बताओ इंटरनल कैसे हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गई मेरी बात, मैंने क्या क्वेश्चन क्या रखा आपके सामने, पब्लिक है वो इंटरनल में दे रखा है, ये आपका इंटरनल में क्यों है, सॉरी मतलब इंटरनल में नहीं, एक्सटर्नल में है बट वो माइक्रो में है, ऐसा क्यों है? नहीं, इन्वेस्टर इज नॉट पब्लिक, और पब्लिक इमेज की जब हम बात करते हैं तो किसी कंपनी की इमेज बनेगी, जैसे किसी कंट्री की इमेज, चाइना की इमेज, वर्ल्ड की तो इमेज नहीं होती ना, पब्लिक जो देख रही हो किसी को, चाइना की इमेज, इंडिया की इमेज, रिलायंस की इमेज, अदानी की इमेज, इसकी इमेज, एमडीयू की इमेज, डीयू की इमेज, तो मतलब पब्लिक में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्या है, तो वो क्या होगी, पब्लिक इज माइक्रो एनवायरमेंट, नॉट एक्सटर्नल आपका आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो का मतलब फर्म स्पेसिफिक, देख लिया आपने ये सारी चीज़ें आ गई, है ना। अब एक्सटर्नल की जब बात करते हैं तो आपके बात आती है कि सभी को एक जैसा इफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब जिसमें भी आपका, इसमें क्या क्या चीज़ आती है, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिसीज, सिस्टम आपका, है ना, और आपका
नहीं पॉलिटिकल नहीं आता भाई, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो ये चार चीज़ें आपके पास आती है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा अडॉप्ट कर, इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट कर रखा है। हाँ मिक्स्ड, मतलब क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे गवर्नमेंट के, उसके अंदर आपको काम करना है ना, ओनरशिप आपकी होंगी। तो ये क्या हुआ, मिक्स सिस्टम हुआ। चाइना में कौन सा है, सोशलिज्म, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। सोशलिज्म से भी आगे ना एक और चीज आती है, क्या आती है, मार्क्सिस्ट अप्रोच। सुनी थी आपने मार्क्स, कोल मार्क्स सोशलिज्म के फेवर में था या कैपिटलाइजेशन के, बताइए। एक ना आपने सुना होगा कम्युनिज्म, एक और चीज आती है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है, देखो अब चाइना में ना आप कहने को तो वो कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशलिज्म है, लेकिन वो कम्युनिज्म में आती है। कम्युनिज्म में क्या है, आपको देखो वहां पर क्या है, इतना कंट्रोल है कि आप बाहर की चीजें यूज नहीं कर सकते। पता होगा ना आपको, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब कुछ नहीं चलती है। इवन आपकी जॉब क्या होगी वो भी डिसाइड करते हैं। जैसे कोई आर्मी में कोई गया और आर्मी छोड़ के चला गया ना, तो उनको रोजगार भी नहीं लेने देते, रोजगार मतलब उनको जॉब भी नहीं लगने देती, पहले ही रेस्ट्रिक्टेड कर देते। तो वहां पर बड़ा तानाशाही सिस्टम है। तो कम्युनिज्म है, मतलब कहने को आप कहेंगे कि वहां पर क्या है, वहां पे मतलब सोशलिज्म गया, लेकिन वो कम्युनिज्म की बात करते हो, ठीक है। यूएसए में क्या है, कैपिटलिज्म। ऑस्ट्रेलिया कैपिटलिज्म, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ओके। तो अभी देखो कि जो आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, जैसे हमारी एलपीजी जो हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है। अब ये जैसे नीति आयोग है, ये भी इसी का पार्ट है ना, किसका, इसी का है या पॉलिटिकल में जाएगा नीति आयोग, किसका है, इकोनॉमी का। वो पॉलिसीज बनाता है, फाइव ईयर प्लान देखा होगा ना आपने, फाइव ईयर प्लान तो है नहीं अब, क्या चल रहा है नीति आयोग में, क्या क्या चीजें हैं, थ्री ईयर स्ट्रेटजी, सेवन ईयर एजेंडा और 20 ईयर विजन, 15 ईयर विजन, सॉरी 15 ईयर विजन। तो उसमें ना 3, 7 और 15 है, 5 ईयर कहीं पे भी नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया ये कि भाई नीति आयोग में क्या है, 3, 5, 3, 5, 7 और 15 क्या ओड है, तो आप कहेंगे कि उसमें 5 नहीं होता, 5 ईयर प्लान नहीं है उसमें, 3 ईयर है, 7 ईयर है और आपका 15 ईयर है। तो ये तीनों चीज़ें होती है, ठीक है। ये तो ये आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूरा पॉलिटिक्स के साथ, कि भाई पॉलिटिकल कल्चर किस तरीके का है, स्टेबिलिटी है नहीं है। जैसे इंडियन की जो पॉलिटिक्स है वो कैसी स्टेबिलिटी है, आप पाकिस्तान में जाते हैं तो वहां से किसी भी पीएम ने एक बार भी अपना ट्रम्प पूरा नहीं किया, तो वो क्या है, अनस्टेबल इकोनॉमी टाइप आएगी। चाइना है, चाइना में क्या है, पूरा कम्युनिज्म है, एक ही बंदा लीड करता है ना, तो उसकी पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल किस तरीके की अप्रोचेज है, तो ये चीज आएगी उसमें। एक आपका नेचुरल एनवायरमेंट, तो नेचुरल एनवायरमेंट में जैसे हम बात करते हैं कि जैसे इंडिया में ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि इंडिया में ना ये बिल्कुल चीप रेट पे अवेलेबल हो जाता है ये सारी चीजें, तो नेचुरल एनवायरनमेंट इंडिया का अच्छा है। अब देखो सऊदी अरेबिया, वहां पर क्या है, ऑयल बहुत ज्यादा है। वेनेजुएला, ये आपके ईरान, इराक, यूएसए, रशिया, इनमें बहुत ज्यादा है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज वाली कंट्री होगी। इंडिया के पास क्या है नेचुरल के लिए, वहां पर जैसे आप देखते हैं फार्मास्यूटिकल हो गया आपके पास, कोल का आप देख सकते हो, है ना, तो ये चीजों में आप आगे हैं। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट जिसका जैसा होगा उसी तरीके से उसको लीड मिलेगी। इसी तरीके से डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, अब देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहते हैं यूथ पॉपुलेशन है, जापान की ओल्ड, वहाँ पर ओल्ड एज लोग ज़्यादा है। और जापान दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है, जहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है, और सारी कंट्री में आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एकमात्र कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है, मतलब डे बाई डे, इवन आपके ईयर बाई ईयर आप वहाँ देख सकते हो। एक आपका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आप देख लिया कि फीचर्स क्या है आपकी डेमोग्राफिक की, है ना। एक आपका सोसाइटी कैसी है, कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, इंडियन लोग देख लो आप, इंडिया क्या कहते हैं ना, डाइवर्स मतलब क्या होते हैं, यूनिटी
विद डाइवर्सिटी, ऐसी कुछ टैगलाइन है अपनी, हमारे पास बहुत सारी है, ऐसे आते हैं कि भिन्नता में एकता, हम भिन्न भिन्न हैं लेकिन एक हैं, इस तरीके से कि अब हमारे देखो हमारा कल्चर अलग है, जो साउथ इंडियन अलग है, नॉर्थ इंडियन अलग है आपके पास ना, और वो आपके सेवन सिस्टर अलग रह गई है ना, सबका अलग अलग कल्चर, लेकिन एक आप यूनिटी दिखाते हो कि हमारे अखंड भारत है ना, अनेकता में एकता, अखंड भारत है ना। चलो इस तरह हमारा कल्चर किस है, चाइना का कल्चर अलग है, चाइना वाले कुछ भी खा लेते हैं तो ये उनका कल्चर है, इसी तरीके से तो कहेंगे ना कि वो उनके लिए उनमें कोई वहां पर कौन सा वो बताना रिलीजन है, चाइना में कोई रिलीजन नहीं है, वो नहीं करते किसी को फॉलो, वो उनके लिए तो सब ऐसे ही चलता है। एक टेक्नोलॉजी, चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, जापान है, यूएसए है, साउथ कोरिया है, और इंडिया, इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है ज़्यादा कुछ खास है, मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे तो इतना नहीं है, नासा का थोड़ा रोल है, नासा थोड़ा मतलब अपने एयर स्पेस में भेजता रहता है, ठीक है। एक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, वो आपने एक बार ना वो 1920 में एक बार चेचिस को एक वो था रोग, चेचक या चेचिस मर जाते थे, तो वो कैसे हुआ 1920 में एक शिप में एक जो चूहा था वो उसमें चला गया, वो शिप में पहले वो एक एक पर्सन को था, वो मतलब चूहे को था, वो शिप में चला गया और शिप में किसी एक पर्सन को हुआ, फिर पूरी शिप में हुआ, और वो शिप ना कई महीनों तक ट्रेवल करती रही, एक कंट्री टू अनदर कंट्री, अनदर कंट्री, तो इस तरीके से वो फिर फैलता ही चला गया था, प्लेग जिसको बोलते प्लेग है ना, इस तरीके से था, बहुत सारे लोग मरे थे आपके 1920 में। हाँ वो ऐसे ही कुछ था कि इस कंट्री तो चाइना टू वियतनाम कुछ इस तरीके से वो जा रहा था। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हुई थी, तो ऐसे ही फैल जाते, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस कोविड का देख लो आप, कोविड भी तो ऐसे ही फैला, चाइना से शुरू होते हुए कहाँ से कहाँ जाते हुए पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से ले आया, फिर से चाइना में आ गया, तो ऐसी तो चीजें है ना। तो ये सारे एनवायरमेंट है, अब देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, एग्जाम में आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी चीजें, मैंने एग्जाम दिया तब भी आया था, बाद में भी आया, क्वेश्चन क्या था, ये ऐसे दे रखा था भाई, बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है, इंटरनल, माइक्रो, कस्टमर, ऑप्शन नंबर ए ये था, इसने कहा था कि कौन सा सही है ये बताना आपने, ये ठीक है, पहले आप बताते चलो ये ठीक है या गलत है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं, दूसरा देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया मैक्रो एनवायरनमेंट, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर आपका कस्टमर, ठीक है चलो इसको भी क्रॉस कर देते हैं, सी ऑप्शन है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपका, इंटरनल एनवायरनमेंट आपका लिख दिया, माइक्रो फिर कस्टमर लिख दिया, अब अच्छा ये सेम ही लिख दिया, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये मैक्रो, मैक्रो और फिर कस्टमर, तो भी गलत है, चलो बिजनेस एनवायरनमेंट आपका, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब देखो मेरी बात सुनो, ये आप कहोगे ये ठीक है ना, तो अब ये बना कहाँ से, ये आपको यहाँ से देखना है कि कौन सा कहाँ पे आ रहा है ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं बता रहा आपको, ऐसे था बिजनेस एनवायरनमेंट, इधर इंटरनल में आ गए तो आप उधर भूल जाओ क्या था, इधर आ जाओ सारी चीजें क्या है कि प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल में चले तो अब देखो क्या है, माइक्रो आएगा या मैक्रो आएगा, माइक्रो आ गया तो फिर माइक्रो में चलो, और मैक्रो में चले तो फिर मैक्रो में चलोगे, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में चले तो इस तरीके से देखो कि क्या क्या चीजें है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, सोल्व करना आ गया कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अपने एनवायरनमेंट के मीनिंग सारे पढ़ लिए, इंडिया में देख पा रहे हो आपके बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, इंडिया के बहुत सारे रीजन में है ना,
इसका रीजन क्या है, मतलब इसके पीछे कारण क्या है। ऑप्शन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कारण है, आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काम कारण है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट काम है, या आपके पास नेचुरल एनवायरनमेंट है रीजन। मोस्ट सूटेबल आपके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक, और भी कोई टेक्नोलॉजी और नेचुरल और सारे बोल दिए, एक और रह गया वो बताएगा। ठीक है अब अनु मैडम आप बताओ आपकी वजह से आप क्या कह रहे हो। देखो बताओ, पॉलिटिकल ऐसी है कि वो नहीं चाहते कि रूरल एरिया में जाएगी बिजली, है ना। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो ये चाहेगी कि चलो ये नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी हाँ ठीक है। देखो जब भी आपको कुछ ना समझ में आए ना, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जब भी आपको कभी भी कुछ नहीं समझ में आए तो आपको पता है कि पैसा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप किस पे क्लिक कर देंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। ठीक है अब इनसे लोगों को देखो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चाहती है कि हर जगह भाई आपके सबके पास करोड़ों रुपए हो, ये चीज़ हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, है ना। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि सबके पास मर्सिडीज कार हो, BMW हो, अच्छे अच्छे बंगले हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, इकोनॉमिक। गवर्नमेंट चाहते आपके चाहने से क्या होता है, अब जो आप खुद गवर्नमेंट हो आप क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ चेंज कर सकते हो, अपना घर भी चेंज कर लेंगे, अपने घर की टेक्नोलॉजी भी चेंज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बस क्या होना चाहिए, पैसा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन सबको लीड करता है, इनका रिलेशनशिप होता है। बात समझ में आ गई आपको। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इसका रीजन है वो क्या था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक बात है, देखो मेरी बात फिर से सुन लीजिए, आपको समझ में आ रहा है डायरेक्टली दिख रहा है कि इसकी वजह से हो रहा है, तो आप करेंगे यही उसका आंसर। जैसे ये कहा कि चाइना में जिस तरीके की पॉलिसीज है, तो कौन सा है, गवर्नमेंट है भाई उसका, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट साफ दिख रहा है ना। आप जहां पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये एनवायरनमेंट तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब उस पर क्लिक कर देना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मोस्टली आपका एसोसिएटेड होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है अच्छा एक और बताओ, साउथ अफ्रीका में सोना बहुत होता है, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में गोल्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है देखना सोचना, मैं एक बात पहले भी बता चुका हूँ, अफ्रीकन कंट्री में गोल्ड बहुत ज्यादा है, सऊदी अरबिया में गोल्ड है ही नहीं, 0% गोल्ड है, मतलब ना के बराबर गोल्ड निकलता है। और सऊदी अरबिया हमें क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी गोल्ड, और कितना करेगी, 200,000 kg का, मतलब 2,000 ton kg का हमारे पास इंडिया में एक्सपोर्ट करेगी अगले 2-3 साल में, है ना। वो क्या करती है साउथ, मैं बता देता हूँ सिचुएशन रख देता हूँ, सऊदी अरबिया अफ्रीकन कंट्री है उनसे डायरेक्टली गोल्ड मंगाती है ना। और देखो अफ्रीकन कंट्री सारी बहुत ही वीक कंट्री है, मतलब पुअर कंट्रीज है, ऐसा कौन से एनवायरमेंट से हो रहा है, नहीं नेचुरल एनवायरनमेंट तो उसको सपोर्ट कर रहा है, गोल्ड है उनके पास, कर क्यों नहीं पा रहे। चलो मैं और हिंट देता हूँ, उसमें ना करप्शन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल आ गया। ठीक है फिर तो आप सही कह पा रहे हो कि वो पॉलिटिकल इस तरीके का एनवायरनमेंट हो गया, अब तो आपको क्लियर हो गया। देखो आप ये बिल्कुल सच बात है कि अफ्रीकन कंट्री के पास गोल्ड बहुत ज्यादा, वो सारी पुअर कंट्री है। अब सऊदी अरबिया कितनी रिच कंट्री है जिसके पास गोल्ड है ही नहीं, वो एक्सपोर्ट कर रही, इंपोर्ट नहीं कर रही, एक्सपोर्ट कर रही, इंपोर्ट तो करेगी वो लेके आ रही वहां से, एक्सपोर्ट कर रही है। देखो आप बना के, है ना, बड़ा अजीब सी बात, ये होता है सारा ड्यू टू करप्शन। तो ये आपको पता लग गया एनवायरमेंट कौन सा था, कि भाई वहां पर करप्शन ज्यादा है तो पॉलिटिकल, तो आपको पता लग रहा है तो लिख दीजिए, नहीं पता लग रहा तो इकोनॉमिक। ठीक है स्टेटमेंट में पता लग रहा है तो जो भी पता लग रहा है वो लिखो, नहीं पता लग रहा है इकोनॉमिक में क्लिक करिए आना। ठीक है लास्ट ऑप्शन आपके पास ये रहेगा। ठीक है कंट्रोलेबल कौन सा है, इंटरनल कंट्रोलेबल होता है, एक्सटर्नल आपका अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है ओके, मैक्रो में आपने देखा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबसे लार्जेस्ट होता है, तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा इफेक्ट भी इसी का पड़ेगा, है ना। इसमें आपके पास चीजें क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री को ये रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमिक की कंपोजिशन कैसी रहेगी, इकोनॉमिक थिंकिंग कैसी है, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होगा। अब इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अब मैं इसको पढ़ाने लगूँ तो मैं 1947 से पढ़ाऊँ या उससे पहले पढ़ाऊँ,
और पूरा डीप में पढ़ाने लग गए, तो तभी तो पहले इतना पूरा सब्जेक्ट था ये, अब खत्म कर दिया इसको, थोड़ा सा रख दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसको रखना चाहिए था, तभी तो किसी का डेवलपमेंट हो। देखो इंडिया की थिंकिंग कैसी थी पहले, जब इंडिया आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया के दिमाग में आ गया कि भाई नहीं, हम अब प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिर से गुलाम नहीं होना चाहते, किसी बाहर को अलाउड नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ही हमने रेस्ट्रिक्टेड सी कर दी सारी चीज़ें कि भाई हम किसी को अलाउड नहीं कर रहे, FDI भी बहुत लिमिटेड सी रखेंगे, गवर्नमेंट का सारे सेक्टर होंगे। तो फिर धीरे धीरे इंडिया को क्या हुआ कि भाई अब प्रॉब्लम होने लगी, फॉरेन रिजर्व ना के बराबर हो गए। आपको पता होना चाहिए कि 1991 में इंडिया के फॉरेन रिजर्व $6.6 बिलियन थे, $6 बिलियन, और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व उसके थे 2 point something $6 बिलियन, दो और चार ज़्यादा फर्क नहीं था। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991, जिसको बोलते हैं अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कब आई थी 24 जुलाई 1991 को। अब इंडिया ने क्या किया, ओपन कर दिया। अब थिंकिंग देखो, थिंकिंग में चेंज आया ना कि भाई हम अब अपना सेक्टर को ओपन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी, लिबरलाइजेशन भी करेंगे। यही तो चीज़ आई थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीज़ आई कि रूल्स को कम कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर ओपन कर दिए गए, उनको लिए अलाउ कर दिया गया, एंड देन आपका ग्लोबलाइजेशन FDI अलाउड कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें हुई इंडिया का। आज के डेट में मैंने आज ही बताया था फॉरेन रिजर्व कितने हो रहे हैं, कितने बताए थे, $560 बिलियन, और पाकिस्तान आज भी वहीं खड़ा है। ये थिंकिंग का वजह से हुआ, तो ये चीज़ हुई थिंकिंग। कंपोजिशन कैसी है हमारे, कंपोजिशन का मतलब हमारे प्राइवेट सेक्टर कितने रखने हैं, है ना, हमारे पब्लिक कैसे रखनी है, कितना पैसा अपने डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए खर्च करना है, कितना नॉन डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएगी। लिबरलाइजेशन, कितनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, तो इन चीज़ों से मिलकर आपका इकोनॉमिक सिस्टम बना है सिस्टम। अब आप कह देते ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, उससे पहले आप समझिए कि चीज़ें सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम ही क्या है, तो आप समझिए वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक सोच कैसी है, थिंकिंग कैसी है, यानी उस गवर्नमेंट की सोच कैसी है, वहाँ पर लिबरलाइजेशन कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, एंड देन फिर आपको कैटेगराइज किया। तो ये क्या हुआ आपका इकोनॉमिक सिस्टम। फिर आपके पास आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि पॉलिसी कौन सी किसके लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी मेनली पॉलिसी हम बनाते हैं, जैसे RBI बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि किसके लिए कंट्रोल के लिए होती है, इन्फ्लेशन के कंट्रोल के लिए होती है ना, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। फिस्कल पॉलिसी बनती है डेवलपमेंट के लिए, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, टैक्स पॉलिसी बनती है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको अफेक्ट करती है, तो ये आपकी किस में आएंगी, पॉलिसीज में आएंगी। इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह की, अब देखो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, ठीक है, मोस्टली पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, ऐसा ही तो है ना, मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, अब एग्रीकल्चर भी ख़त्म हो रहा है, अपना एक और जो चीज़ अपने पास जनरेट हो रही है वो ये कि सारा पैसा धीरे धीरे शिफ्ट होके एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा मतलब जैसे अदानी ग्रुप रिलायंस इस तरीके से इकट्ठा हो रहा है, बाकी सारे वर्कर हैं इंडस्ट्री में, आप देखो ना कुछ सेक्टर्स कुछ लोगों के पास पैसा हो रहा है, बाकी सारे ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये चीज़ अपना सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो समझने की बात है ना, इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट, सारा देश घुमा देता अगर ये पूरा सब्जेक्ट रख दे तो, किस कंट्री में क्या है, सच में ऐसा सब्जेक्ट है ये पढ़ने के लिए, 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं ना पा, तो उसमें बारी बारी से किसी ईयर में क्या हुआ क्या नहीं, अभी तो है नहीं आपके सिलेबस में, क्या करें। कंडीशंस किस तरीके की, परचेजिंग पावर हमारी कैसी है, हमारी थिंकिंग कैसी है। सर एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो ये एक चीज़ बताना आप क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं शॉप पे गए और आपको कहा एक चीज़ ये 100 रुपये की 110 रुपये की है, आप क्या कहोगे, मतलब दो, अब मोस्टली आंसर ये होते हैं 110 वाली को 100 में दे दे, एक तो ये ऑप्शन होता है, एक आपका माइंड जैसे उसने कहा ना कि 100 की चीज़ ये 100 की 110 की है, तो आप कहोगे कि 110 वाले की क्वालिटी अच्छी है, आपका माइंड कह रहा है ये, बेशक ना हो बेशक बताने को कुछ भी कह दे तो वो आपको वो भी भेज देता है, तो ये उसको क्या नहीं पता, एक बार्गेनिंग पावर, आपने 100 रुपये मांगे 50 रुपये मिले आए, उसको भी पता है तो उड़वाएंगे, है ना। तो ये हमारा मतलब कल्चर ही है सारा कि परचेजिंग पावर कैसी है, नेचर कैसा है, है ना, लेबर स्टैंडर्ड लिविंग कैसा है, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी, है ना, आगे समझ में। तो ये चीज़ें आ गई इकोनॉमिक कंडीशंस। एक आया आपके पास फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आपके दो आगे, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के साथ डील करता है और कैपिटल मार्केट आपका, तो बस ये चीज आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है।
नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके पास आ गया, भाई क्लाइमेट कैसा है, सोयल कैसी है, मिनरल रिसोर्सेज कैसे है। मैंने कहा हमारा जो एनवायरनमेंट इंडिया का किसको सपोर्ट करता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट को। और जैसे टीवी अपने यहाँ होते हैं ना, तो एग्रीकल्चर, चलो एग्रीकल्चर तो पूरी आ गई, और कौन सी इंडस्ट्री को करता है, फार्मास्यूटिकल। मैं बार बार बोलता, मेरा पीएचडी का काम था भाई इस पे। तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ना, जैसे इंडिया के लिए जो जेनरिक्स, एक होते हैं ब्रांडेड और एक होता है जेनरिक। ब्रांडेड होता है ओरिजिनल, जो मतलब एक्चुअल में बनाओ, एक होता है जेनरिक, जेनरिक मतलब फोटोकॉपी। तो इंडिया फोटोकॉपी बहुत अच्छे से करता है। तो मतलब कि इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, जैसे पूरा उत्तराखंड लगा लो आप, यूपी का कुछ एरिया लगा लो, तो ये क्या है कि पूरा आपका फार्मास्यूटिकल सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए क्लाइमेट कुछ इस तरीके से है। हिमालय हमारे पास, मतलब हमारे में नहीं, मतलब कुछ पार्ट है, तो ऐसे इस तरीके का है कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब अच्छी ग्रो कर रही है। और इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको कहा जाता है कि ये 100% प्रॉफिट वाली कंपनी, मतलब सब कुछ प्रॉफिट में है सारा का सारा। मतलब कई बार कुछ वो भी बताते हैं ना, ये IAS कई एक्सपोज करते हैं कि जो मेडिसिन की कॉस्ट आती है 1 रुपये, बेची जाती है 100 रुपये में, तो कितने प्रॉफिट हो गया, 99, तो 100% ही हो गया। तो इस तरीके से कहा जाता है। तो ये देखा करो कौन कौन सी इंडस्ट्री सपोर्टेड है। IT सेक्टर अपना इंडिया का, ये भी ग्रोइंग है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना IT, हमारा डिपेंडेंट IT सेक्टर है कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट ज़्यादा है, खुद का नहीं है कि खुद की कंपनी को। आप फोन कंपनी देखो कितनी है, कौन सी इंडिया की, आप एक भी शायद इंडियन फ़ोन नहीं ले रहे, और ये ऑनलाइन वाले भी नहीं ले रहे है? इंडिया का नहीं है, कोरिया का है। तो सैमसंग इंडिया का नहीं है, साउथ कोरिया का है। इंडिया का तो है नहीं, इंडिया का तो एक आया था स्पाइस का, वो भी चाइनीज निकला। एक आया था उसका, एक ना इंडिया नोकिया ना दुनिया, एक तो सबके बहम है कि नोकिया इंडिया की, इंडिया नोकिया, नोकिया इंडिया की नहीं है, है ना। इंडिया का तो रिलायंस था, वो भी अभी नहीं चल रहा है ना, आप लोग यूज ही नहीं कर, है ही नहीं कोई अच्छा सा फोन है ना चलाने के लिए। रिलायंस का डोकोमो आया था, वो भी नहीं है अभी। माइक्रोमैक्स था, वो भी नहीं चलाते आप, क्या करें। आए तो थे, लोगों ने ट्राई तो की थी, पर आप लोग भी तो नहीं चलाते ना। ये बिजनेस एनवायरनमेंट ही है और क्या है, है ना। तो ये नेचुरल देखो कि हमारे पास क्या क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस कैसी है। अब देखो हरियाणा है, हरियाणा में देखो ना तो बाढ़ आती, देखिए आपने भूकंप आते हैं ज़्यादा, वो भी नहीं आते। कोई ये मतलब हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ऐसी कोई लड़ाई दंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ना दंगे होता, ना कहीं बा पाकिस्तान के युद्ध होते, मतलब अपने उनको डर रहता है जैसे पाकिस्तान कश्मीर वालों की कब गोली लग जाए। आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बिल्कुल रिलैक्स हो। हरियाणा में कहते हैं कि आप मतलब मतलब धरती पर सब क्या है, बोला हरियाणा में जन्म और सरकारी नौकरी है। हाँ तो मतलब एक्चुअली है कि हरियाणा बिल्कुल सेफेस्ट कंट्री है, एक जैसी पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा वो फर्क पड़ रहा है ना। तो चलो आ जाओ वापस से, तो नेचुरल एनवायरनमेंट देख लिया, डेमोग्राफिक में आपने देख लिया कि हमारी डिमांड क्या है। इंडिया देखो, रोहतक देखो, रोहतक में खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा बिकती है। इधर ये देखो पूरा डी पार्क तक सारा ऐसे बिकते, शाम तक मोमोज अंडे और पता नहीं क्या क्या बिकते रहते, लोग भीड़ रहती है पूरी की पूरी, है ना। यूनिवर्सिटी में देखो चाय बिकती है। तो मतलब ये क्या एनवायरनमेंट ही तो है ना, डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं, कंपोजिशन क्या, सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, क्या चलते हैं अब देखो, या तो PG चलते हैं सारे, है ना, पूरा भरा पड़ा है ये वाला एरिया। तो देखो कंपोजिशन क्या, उसी तरीके का आपका बनेगा, लोगों ने अपनी बिल्डिंग बना बना के PG चला दिए। एजुकेशन देखो, इकोनॉमिक लेवल कैसा है, लेवल पैसा कम है दिखाएंगे ज़्यादा, है ना, कुछ इस तरीके का सिस्टम भी है, है ना। तो ये सब चीज़ें आई आपको डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। तो आप, मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आप समझिए कि अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व होंगे, ठीक है। डेमोग्राफिक देखो कि इंडिया की कैसी है, आपके पास पास की कैसी है, तो उसी तरीके का लोग व्यवहार करते हैं। सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी सोसाइटी क्या अलाउड करती है। यूरोपियन कहते हैं ना, हमने किसको अडोप्ट कर लिया, वेस्टर्न को अडोप्ट कर लिया, धीरे धीरे वेस्टर्न इंडिया को अडोप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने देख लिया ना कि वेस्टर्न में कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या कर लिया, इंडिया को देख लिया, है ना। तो वो काम कैसे करते हैं, हमारा जैसे क्या है,
अब मुस्लिम कम्युनिटी में जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, क्या होता है उनको मिलने का तरीका अलग होता है, हमारा अलग है, हम गुड मॉर्निंग ऐसे करते हैं, वो अलग होता है, वो दिवाली नहीं मनाते, हम ईद की भी छुट्टी करते हैं। नहीं ऐसा ही तो होता है ना कि वो भाई मुस्लिम की ईद की छुट्टी आप लोग मनाते हो, ईद ना बनाओ वैसे छुट्टी तो करवाते हो, वो दिवाली को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आधे तो ईद मुबारक भी भेज देते हैं भेजते हैं ना ईद मुबारक। हमारे को कुछ त्यौहार तो ना ये व्हाट्सएप फेसबुक आने के बाद पता लगे ये भी थे, है ना। अब मकर संक्रांति और ये लोहड़ी आएंगी, ये पता लग जाएगा आपको, पहले कम पता लगता था। तो ये देखो, अच्छा एक ये क्वेश्चन आ गया इसमें, हाँ बहुत अच्छी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आपका ये है तो मार्केटिंग का, लेकिन आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, आप ऑनलाइन वाले आप भी सुनना, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पर कौन से फैक्टर का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकम, सेकंड कल्चर, थर्ड डेमोग्राफिक, फोर्थ कुछ भी नहीं, तीन दिखे किसका पड़ेगा, इनकम का नहीं पड़ेगा, कल्चर का पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आप सभी ठीक हो, कल्चर का ही फर्क पड़ेगा। जैसे आप यहाँ रहते हो, आपको रोटी खाना पसंद है, ये हमारा कल्चर है, आप साउथ में जाओगे वहाँ राइस पसंद है, क्यों, वहाँ का कल्चर है, पैसा वहाँ जाके आप बेशक बहुत सारा पैसा लेके जाए, लेकिन आपको पसंद ही नहीं आया तो आप नहीं खरीदोगे, आपको मछली नहीं खानी तो नहीं खानी, तो बिल्कुल ठीक बात है ना। तो किसका फर्क पड़ेगा, कल्चर का, समझ में आ गई ना बात, बहुत बढ़िया है बस। तो उसके बाद आया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, किसके पास टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने एक बार बताया था आपको कि जो ताइवान कंट्री है, ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री कहता है, चाइना कहता है हमारा पार्ट है, और ताइवान, और मैंने ये भी कहा था कि अगले 3-4 महीने में अब वहाँ पर एक थोड़ा सा वो भी डिस्प्यूट होगा, लड़ाई होगी आपस में, ये भी बताया था, होगी आप देखना। तो ताइवान के पास क्या है भाई, सिलिकॉन चिप जो आप यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन में, ये सारी चीज़ें 80% वहाँ से आती है। तो वो चाहता है, अब यूएसए उसको प्रोटेक्ट करता है, इंडिया भी प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी कंट्री भी करता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास वो चला गया तो चाइना का पूरा कब्जा हो जाएगा उस चीज़ पे, तो वो उस चीज़ से बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी आपका देखता है। जापान में बुलेट ट्रेन, हमारा इंडिया में आपका क्या हो रहा है, इंडिया में आ रही है, जापान वालों ने क्या कहा कि इंडिया ने अभी तक ज़मीन एक्वायर नहीं की है, बुलेट ट्रेन तो दूर की बात है। इंडिया में टारगेट था जो 2014 में पीएम मोदी बना, 15 में अनाउंसमेंट की कि 2022 और मैक्सिमम 23 में आपकी बुलेट ट्रेन चल जाएगी, तो अभी तक तो फिर वो बुलेट ट्रेन के ऊपर वो भी नहीं आई, टाइम हो गया, जाओ मैडम तो थोड़ा सा हो गया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ठीक है। ओके एक ये हो गया, बाकी कल करते हैं, ठीक है भैया।